Class 2, chapter number 11, Where is the pink bed? ये स्टोरी है, बहुत ही मजेदार है। स्टोरी की तरह सुनिएगा, देखिए आपको क्वेश्चन आंसर और इसके वर्कशीट बनाने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, चलिए हम पहले इनको जानते हैं। फर्स्ट है कोर्ट। कोर्ट हुआ, यहाँ पे राजा के कोर्ट से है, तो इसको हम दरबार करेंगे, जहाँ पे राजा फैसला सुनाते थे। बियर्ड, बियर्ड मीन्स होता है दाढ़ी। एंग्री, एंग्री मीन्स गुस्सा, गुस्सा करना, एंग्री। मिनिस्टर, मिनिस्टर मतलब मंत्री। रुपीज, तो सब लोग जानते हैं रुपीज पैसा। थीफ, थीफ मीन्स चोर। किंगडम, किंगडम मीन्स होता है साम्राज्य, कोई राजा का जो साम्राज्य होता है, राज्य होता है, उसको हम किंगडम कहते हैं। और लास्ट में है आंसर, इनको सब जानते हैं, आंसर मीन्स उत्तर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। ठीक है, कुवेर इज द किंग ऑफ जना। कुवेर जना का राजा है। ही इज सिटिंग इन हिज कोर्ट विथ हिज मिनिस्टर। वह अपने कोर्ट, अपने दरबार में अपने मंत्रियों के साथ बैठा है। अ शॉर्ट मैन विथ ए वाइट बियर्ड कम्स इनटू द कोर्ट। सफेद दाढ़ी वाला एक छोटा आदमी कोर्ट में आता है। ठीक है, गुड इवनिंग माय लॉर्ड, से द मैन। क्या कह रहा है, गुड इवनिंग माय लॉर्ड। ठीक है, से वो आदमी, जो छोटा आदमी है, वो कहता है गुड इवनिंग, से द किंग। किंग जो है वो रिप्लाई में क्या कहता है, गुड इवनिंग। ठीक है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। राजा जो है वो शॉर्ट आदमी को बोलता है। इस फिगर में दिखाया हुआ है, ये राजा है जना का, और यही शॉर्ट आदमी है कि बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं। ठीक है ना, हम नेक्स्ट हम देखते हैं। माय लॉर्ड, इफ यू गिव मी 10,000 rupees, आई कैन गेट यू ए पिंक वेल, से द मैन। तो वो जो है छोटा सा आदमी, वो बोल रहा है राजा को संबोधित करते हुए कि माय लॉर्ड, यदि आप मुझको 10,000 rupees देते हैं, तो मैं आपको एक पिंक वेल लाके दूंगा। ठीक है, ये राजा को बोल रहा है। ऑल द मिनिस्टर इन द कोर्ट विसल व्हेन दे हियर दिस। जब सभी मिनिस्टर ने ये सब सुना, तो क्या हुआ, एक जोर से आवाज निकाली कि क्या पिंक वेल, मतलब एक होता है ना आश्चर्यचकित होके मुंह से आवाज निकलना, एकदम सीटी की तरह तेज आवाज निकलना। अ पिंक वेल, नो वन हैज एवर सीन ए पिंक वेल, किसी ने पिंक वेल नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था। ठीक है, पिंक वेल आपने देखा है, कभी पिंक वेल होती है नहीं ना, तो पिंक वेल आश्चर्य होगा कि ये पिंक वेल, मतलब एक तरह से सब एकदम जोर जोर से आवाज करने लगे दरबार में। द किंग थिंक्स नो अदर किंग हैज ए पिंक वेल। किंग ने सोचा कि किसी भी राजा के पास तो पिंक वेल है नहीं। आई एम गोइंग टू कीप द पिंक वेल इन ए बिग पिंक पूल, और मैं बड़े से पिंक पूल में, मतलब एक बड़ा सा जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, वैसे ही पिंक पूल बनाएगा राजा। ठीक है ना, पिंक पूल में हम उस वेल को, वो जो पिंक वेल है, उसको मैं रखूंगा वहां। ठीक है, तो इसी तरह राजा ने विचार किया कि किसी के पास तो है नहीं, और वो पिंक आएगा वेल, तो मैं उसको एक बड़े से पिंक पूल बनाऊंगा और उसी में रखूंगा। When can you bring the pink veil to me?
तुम मुझे पिंक व्हेल कब लाकर दे सकते हो? राजा ने उस शॉर्ट आदमी से पूछा, आस्क द किंग, ठीक है ना? यू मे हैव द व्हेल इन टू डेज टाइम, आंसर द मैन। अब वो मैन क्या बोल रहा है, क्या आंसर दे रहा है, क्या उत्तर दे रहा है? एंड दे रहा है कि मैं आपको वो दो दिन का आपको टाइम दीजिए, मैं आपको वो पिंक व्हेल लाके दे दूंगा। द किंग टेल्स हिज मिनिस्टर टू ब्रिंग 10,000 रुपीज। राजा अपने मिनिस्टर को क्या बोलता है? राजा अपने मिनिस्टर को बोलता है कि तुम 10,000 रुपीज लेकर आओ। He gives the money to the man. मैं इसको उस आदमी को वो पैसा दे देता है, ठीक है? He says if you cannot bring the whale in 2 days time, I am going to whip you. तो राजा क्या बोल रहा है कि अगर तुम मुझे 2 दिनों के अंदर यदि तुम मुझे पिंक व्हेल लाके नहीं दोगे तो मैं तुम्हें चाबुक से पिटवाऊंगा, ठीक है ना? चाबुक से पिटवाऊंगा। द मैन टेक्स 10,000 रुपीज एंड गोज अवे। और वो जो मैन है, वो आदमी है, 10,000 रुपए लेता है और बाहर चला जाता है। ये जो राजा है, ये राजा है, ये इसको 10,000 रुपीज दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डे व्हाइल चेकिंग अराउंड ऑफ द किंग जंक, द किंग टेल्स हिज मिनिस्टर टू मेक ए लिस्ट ऑफ द फूल्स इन हिज किंगडम। अगले दिन जब राजा अपने किंगडम, अपने राज्य का जब दौरा कर रहा होता है, तो उसने अपने मंत्रियों को कहा, क्या कहा? कहा कि उसने अपने राज्य के सभी मूर्खों का एक लिस्ट तैयार करना है, एक सूची तैयार करना है, ठीक है? ये राजा कहता है अपने मंत्री को, ठीक है? जब अपने राज्य में घूम रहा है, राउंड लगा रहा है, ठीक है? The minister makes a list. He put the name of the king at the top. वो जो मिनिस्टर होता है, वो क्या करता है? वो एक लिस्ट बनाता है और उस लिस्ट में राजा का नाम सबसे ऊपर रखता है, सबसे टॉप पे रखता है। When the king reads the list, he becomes very angry. और जब राजा रीड करता है, जब पढ़ता है उस लिस्ट को, तो उसके बाद क्या हो जाता है? वो वेरी एंग्री हो जाता है, बहुत ही गुस्से में हो जाता है। जब वह देखेगा कि उसी का नाम सबसे टॉप पे रखा हुआ है मूर्खों की लिस्ट पे, तो कोई भी आदमी गुस्सा हो जाएगा ना, तो वो राजा भी बहुत ही गुस्सा हो जाता है। Why is my name on his list? वह मंत्री से बोलता है, क्यों तुमने मेरा नाम इस लिस्ट में लिखा है? He wants to whip the minister. वह मंत्री को चाबुक से मारना चाहता है, कोड़े लगाना चाहता है। पहले के जमाने में होता था ना कि कोड़े निकालो और जिसको चोर है, डकैत है, या जिससे राजा एंग्री है, उसको लगा दो। तो उसी तरह वो अपने मिनिस्टर को चाबुक से, कोड़े से पिटाना चाहता है। द मिनिस्टर फोल्ड्स हिज हैंड, ही सेज, आई एम सॉरी माय लॉर्ड। वो जो मिनिस्टर है, अपने हाथों को मोड़ता है और कहता है क्या कि मुझे माफ कर दीजिए माय लॉर्ड, बट यू गेव सो मच मनी टू द थीफ। लेकिन आपने उस चोर को बहुत सारे पैसे दिए। डू यू थिंक ही इज एवर गोइंग टू कम बैक विद द पिंक व्हेल? क्या आपको लगता है कि वह कभी भी पिंक व्हेल
लेकर आएगा, वापस आएगा वो पिंक व्हेल लेकर। पिंक व्हेल होता ही नहीं है तो वो वापस क्या आएगा ना। तो वो राज मिनिस्टर जो होते हैं वो अपने राजा को बोलता है कि आपको है विश्वास कि वो पिंक व्हेल लेके वापस आएगा। द किंग आस्क्ड व्हाट इफ ही ब्रिंग्स द व्हेल। राजा कहता है लेकिन अगर वह व्हेल लेके आ गया तो। Then my lord say the minister, तो मिनिस्टर जो है वो बोलता है my lord, I will take out your name from the top of the list and put my name there. बोलता है क्या बोलता है कि अगर वो पिंक व्हेल लेके आ गया तो आप है ना आपका जो टॉप में जो नाम है आपको जो फर्स्ट में टॉप में नाम रखा है उसको हटा दीजिएगा और उसकी जगह पर मेरा नाम लिख दीजिएगा, नाम डाल दीजिएगा। मतलब आप सही है और मूर्ख सबसे ज्यादा मैं ही हूँ। वो मिनिस्टर ऐसा बताता है कि राजा को। ऑल द अदर मिनिस्टर लाफ, और वहाँ के जो सभी मिनिस्टर थे सभी मंत्री थे वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। चलिए हम इसका एक्सरसाइज करते हैं। डू यू योर सेल्फ। फर्स्ट है फन विद वर्ड्स, हमको फन करना है वर्ड्स के साथ। ट्राई टू फाइंड डब्ल्यू एच साउंड वर्ड्स इन द फॉलोइंग क्रॉस वर्ड एंड राइट अप्रोप्रिएट वर्ड्स अंडर ईच पिक्चर गिवन बिलो। ठीक है, देखिए ये मैजिक बॉक्स है ना। इस मैजिक बॉक्स में बहुत सारे अल्फाबेट दिए हुए हैं लेकिन हमको इसमें से डब्ल्यू एच के वर्ड चुनके सुटेबल जो वर्ड बनते हैं उनसे उनको हम इस पिक्चर में एडजस्ट करना है। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डब्ल्यू एच आई टी ई व्हाइट, व्हाइट सफेद, ये यहाँ पे आ जाएगा व्हाइट। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू एच आई एस T-L-E, whistle, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा whistle, ठीक है? सीटी बजाना। अब यहाँ ब्लू एच आई पी विप, चाबुक, मैंने बताया था कोड़े कोड़े लगाता था तो यहाँ पे हो जाएगा विप। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लू एच ई आर ई वेयर, तो ये हुआ वेयर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क में वेयर क्वेश्चन मार्क होता है ना, क्वेश्चन यहाँ आ गया वेयर। डब्ल्यू एच आई एस ई आर विस्पर है ना, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा विस्पर। और नेक्स्ट यहाँ पर अब देखिए डब्ल्यू एच डबल ई एल विल, विल होता ना पहिया, तो ये हो गया पहिया। और एच ए एल ई विल, तो यहाँ हो जाएगा पुट विल। तरह से हम इन सबको पुट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखे मैच द फॉलोइंग टू मेक कंप्लीट सेंटेंस, इसको हमको ए और को बी से मिलाना है जो इसके सेंटेंस के साथ इसको मैच करना है। क्या है, द किंग किंग इज सिटिंग इन द कोर्ट, वो कोर्ट में बैठा था। नो वन हैज, नो वन हैज इसके बाद लगेगा ever seen a pink whale, किसी ने पिंक व्हेल नहीं देखा था। The minister makes क्या a list of फूल, वो मिनिस्टर ने बनाया ना फूल का लिस्ट, तो यहाँ पे ये इससे मैच हो जाएगा। The king becomes very angry, उसके बाद क्या हो गया वो जो किंग था वो बहुत ज्यादा एंग्री हो गया तो ये इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, नंबर थर्ड Who said the following lines in the story? अब देखिए कि स्टोरी में ये लाइन्स किसने कहा है। नंबर ए है My lord, if you give me 10,000 rupees, I can get you a pink veil. कौन कहा था? A short man ना, जो थी था, तो यहाँ पे लिखेंगे a short man. नंबर बी है Do you think he is ever going to come back with the pink veil? मिस्टर ने कहा था ना कि क्या आपको लगता है कि वो पिंक वेल लेकर वापस आएगा, वो राजा से ये क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे हो जाएगा मिनिस्टर। नेक्स्ट सी है Why is my name on the list?
क्यों डाले तुम मेरा इस लिस्ट में नाम, ये कौन बोला था, किंग ने बोला था, तो यहाँ पे हो जाएगा द किंग। ठीक है, इस तरह से हम इसको फिल कर लेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए हम इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ये हु कम्स इनटू द कोर्ट ऑफ द किंग कुबेर। आंसर अ शॉर्ट मैन कम्स into the court of the king Kuber. B. How much money does the man want? The man wants 10,000 rupees. C. What can the man get for the king? Answer. The man can get a pink veil for the king. Number D, what happens when the king reads the list of fools? Answer, when the king reads the list of fools, he becomes angry. Make sentence for the following words. ठीक है, इस जो words दिए हुए हैं उससे हमको make sentence बनाना है, तो चलिए हम बना लेते हैं। A है beard, he has beard. Number B, king, Ram was a king, thief, he is a thief. Fool, this is a fool. Angry, I am angry. मतलब आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल के तौर पर सेंटेंस बताया, आप अपने मन से भी छोटे बड़े जैसे हो आप बना सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर नंबर 11 समाप्त होता है। थैंक यू।